एवरीवन नमस्ते। और आज हम लोग आ गए हैं रोहिणी जन्माष्टमी का मेला देखने के लिए। वानिया का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है किसी भी तरीके के मेले में। और माय गॉड, जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करी, आप ये एंट्री गेट देखो कितना प्यारा सजाया हुआ है, इतनी सारी चमक दमक लाइटिंग। और ये जो बोर्ड है ना, इसमें कृष्ण जी की अलग अलग तरीके की फोटोज पिक्चर्स बनकर आ रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब हम कर रहे हैं मेले की तरफ एंट्री। तो मेले के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सुंदर सुंदर भगवान शिव जी की, गणेश जी की, माँ दुर्गा की, इतनी सुंदर सुंदर इन लोगों ने मूर्तियाँ लगाई हुई थी। सब लोग इनके सामने खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और ये मूर्तियाँ बड़ी शानदार और प्यारी लग रही थी। और अब आप ये जो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी झांकियां देखने वाले हैं, ये सारी जो झांकियां थी ये श्री कृष्ण भगवान जी के लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। और इसमें दिखाया गया है उनका जन्म, उनकी रासलीला, वो कैसे मक्खन चुरा कर खाते थे। और ये झांकियां इतनी सुंदर बनाई थी कि मतलब बस मन कर रहा था कि यार ये झांकियां कभी ख़त्म ही ना होए और हम बस इनको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। और ये बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण जी की जोड़ी, श्याम तुम्हारे घर में तुम्हारे ही खुश तुझे। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथों में उठाया हुआ है। और ये जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव भजन कीर्तन चल रहा था, तो लोग यहाँ पे आ रहे थे, इसमें शामिल हो रहे थे, थोड़ी देर बैठ के फिर आगे बढ़ रहे थे। तो हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठे थे और उसके बाद अब हम लोग भी जा रहे हैं। और ये यहाँ पे सारा खाने पीने का सेक्शन है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा था, यहाँ सब कुछ मिल रहा था, यू नेम इट एंड यू गेट इट, जैसे कि टिक्की, गोलगप्पे, छोले भटूरे, मतलब सब कुछ मिल रहा था। और ये चीला बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ यही खाने के लिए मिला था। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग खाने के लिए कूपन्स लेने के लिए गए थे तो इन्होंने हमें बोला कि क्या आप लोगों ने राइड वगैरह ले लिया है, हमने बोला नहीं अभी तो नहीं लिया है। तो इन्होंने हमें सजेस्ट करा कि आप लोग पहले राइड ले लो और उसके बाद आप लोग खाना खाना, क्योंकि एज एवरीबडी नोज कि जब हम लोग खाना खा के झूले झूलने जाते हैं तो क्या डिज़ास्टर हो सकता है। तो हम लोगों ने इनकी एडवाइस सुनी और हम लोगों ने पहले राइड ली और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए। तो सब कुछ चट हो चुका था, तो हम लोगों को सिर्फ चीला ही मिला था खाने के लिए। बट मैं आपको बताऊँ, यहाँ के जो खाने की जो अरोमा और जो खुशबू उड़ रही थी ना, माय गॉड, इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग थी कि मतलब बस मन कर रहा था कि गबा गब खाए जाओ। और ये वानिया यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पे इंजॉय कर रही है, मतलब आज वानिया बहुत खुश हो गई थी कि उसको यहाँ पर भी ट्रैम्पोलिन मिल गया। वानिया का ये फेवरेट झूला है और जब भी वो जहाँ पर भी देखती है वो ट्रैम्पोलिन में ज़रूर जाती है। और ये जो झूला आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सबसे बेस्ट झूला था बच्चों के लिए पूरे मेले में, क्योंकि मैंने भी नोटिस करा कि बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस झूले में, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, फुड़क रहे हैं, और मतलब बहुत मज़े कर रहे थे बच्चे इसमें। तो मेरे को ये सबसे बेस्ट झूला लगा बच्चों के लिए पूरे मेले में। आदि बड़ा ही एक्साइटेड था इस वाले झूले में बैठने के लिए, बट हमने आदि को जैसे ही बिठाया और ये जैसे ही चला ना, तो आदि बहुत तेज तेज रोने लग गया, तो हमें उसको उतारना पड़ गया। और ये वाला झूला जो आप लोग देख रहे हो ना, इसमें मेरा बहुत मन था बैठने का, बट इसकी इतनी लंबी लाइन थी कि हम लोगों ने क्विट कर दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग बैठ गए थे बोट वाले झूले में, और बोट वाले झूले पे हमें सबसे ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि हम लोग बोट के बिल्कुल एज पे खड़े थे और एक अलग ही प्रेशर फील होता है पेट में जब ये नीचे की तरफ को जा रहा होता है।
जाइंट फेरिस व्हील पे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं पहली बार किसी भी इस तरीके के इतना ऊंचे जाने वाले झूले पे बैठूंगी। और मैं आप लोगों को सही बताऊं, जैसे ही अपनी पीक पे पहुंचा अपनी हाइट की, मेरे हाथ पैर दिल दिमाग मतलब मेरी आत्मा तक जाम हो गई थी। और पंकज बोल रहे थे कि तुम शूट कर लो, और मैं बोलती नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही इसने अपना एक राउंड पूरा कंप्लीट करा, मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस एकदम जीरो से मतलब 100 हो गया, और मैंने फिर शूट करना स्टार्ट करा। और बहुत ही मज़े आए इस वाले झूले में, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। और ये यहाँ पे हमारा झूला सबसे टॉप इसकी जो हाइट है वहाँ पे आके रुक गया है, और ये कम से कम 7 से 8 मंजिल होगी। मैंने गलती से 4 से 5 मंजिल बोल दिया था, बट नहीं, ये 7 से 8 मंजिल है। और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था नीचे देखने में, मज़ा आ रहा है। अब सही लग रही है अंदर। और देखो यहाँ पे लोग कितने छोटे छोटे चींटी जितनी दिखाई दे रहे हैं। हम लोग पेरिस हिल पे हैं और बहुत मजा आ रहा है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ उसपे, और जब ये फर्स्ट टाइम ऊपर चला था ना, मतलब आप ये सीसी 4th मंजिल पे है इस टाइम पे, और मेरे तो भाई साहब मेरे को तो इतना डर लग रहा था। बट फाइनली जब इसने पूरा एक राउंड कंप्लीट करा तो अब बहुत मस्त मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। खाने के लिए, लेकिन खाने में हम लोगों को सिर्फ चीला ही मिला क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सिर्फ यही बचा था। तो हमने 2 से 3 चीले ऑर्डर कर लिए थे, और चीले बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, हम लोगों को बहुत मज़ा आया इसको खा के। और इसी के साथ अब मैं करती हूँ अपनी प्यारी सी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।